नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर दिनेश। आपने न्यूज देखा ही होगा, अचानक से आंध्र प्रदेश में कुल्लूर विलेज में 500 लोग एडमिट हो गए। उनको जो मिस्टीरियस इलनेस हुआ वो क्या है, ये हम आज इस वीडियो में जानेंगे। अचानक से जो लोग बीमार हुए उनमें कन्वर्जन के लक्षण दिखाई दिए, जिसको हम सादी भाषा में झटका आना या मिर्गी का झटका आना ऐसा बोलते हैं। जनरली कन्वर्जन जो है ब्रेन का इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिलेटेड है, उसकी वजह से होता है। वहां के जो एक्सपर्ट है उनको ऐसा लगा कि वायरल इंसेफलाइटिस की वजह से ये बीमारी हुई है। पर जब एम्स के डॉक्टर ने वहां पे जाके जांच की, उसमें काफी वायरोलॉजिस्ट और मेडिसिन के डॉक्टर थे, उन्होंने जब इन पेशेंट का ब्लड टेस्ट किया तो उनको पता चला कि इनमें जो है लीड और निकल, ये जो मेटल है, इसका प्रमाण ज्यादा दिखाई दिया। उसकी वजह से उनको न्यूरोटॉक्सिसिटी हो गई, जिसकी वजह से उनको कन्वर्जन आने लग गए। अब न्यूरोटॉक्सिसिटी यानी क्या, हमारे शरीर के अंदर नर्वस सिस्टम यानी जो दिमाग से लेके बाहर निकलता है वो सिस्टम, उसमें जब ये मेटल ब्लड में से वहां पे पहुंचता है, उसका जो नॉर्मल लेवल है उससे जब ज्यादा हो जाता है तो अपने शरीर के ऊपर इसका इफेक्ट दिखने लगता है, जिसको न्यूरोटॉक्सिसिटी बोल सकते हैं। जब ये लेवल नॉर्मल से ज्यादा हो गया इन सब लोगों में, तब उनको ये लक्षण दिखाई देने लगे। अभी लक्षण ऐसे थे, अचानक से उन लोगों को फीट आने लगे, जैसे मुंह में से झाग आना है, सर दर्द होना है, हाथ पैर अकड़ जाते, ये सब लक्षण इन लोगों में दिखाई दिए। अभी ट्रीटमेंट का प्लान अगर होम्योपैथी की तरफ चलते हैं तो होम्योपैथी में ये दो मेटल से दवाई बनती है, वो इस बीमारी के ऊपर कारगर हो सकती है। प्लम्बम मेटेलिकम है, ये दवाई लीड से ही बनती है, जो इसमें काफी कारगर हो सकती है। कारण क्या हो सकता है अचानक से ऐसा लीड, तो हो सकता है उनके खाने में या पानी में, जिसकी वजह से ये मेटल्स का लेवल उनके शरीर में बढ़ गया और इसकी वजह से इनको ये सब तकलीफ होने लगी। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए, मुझे सुनने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।